भारत में आज शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी पार्ले जी के बारे में नहीं सुना होगा। यही वो बिस्किट है जो आज़ादी के पहले से लोगों की चाय का साथी बना हुआ है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए ये खास है। लोगों की कितनी ही यादें इससे जुड़ी हुई हैं। पार्ले जी वो पहला बिस्किट था जो भारत में बना और आम भारतीयों के लिए बना। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे पार्ले जी बना देश का बिस्किट। पार्ले जी आज या कल का नहीं बल्कि कई सालों पुराना प्रोडक्ट है। भारत की आज़ादी से पहले ही इसकी नींव रखी गई थी। हालांकि पार्ले जी के आने से पहले इसकी कंपनी पार्ले की शुरुआत की गई थी। भारत की आज़ादी से पहले देश में काफ़ी अंग्रेजों का दबदबा था। विदेशी चीज़ें हर जगह भारतीय मार्केट में बेची जाती थीं। उनके दाम भी काफ़ी ज़्यादा होते थे, इसलिए सिर्फ अमीर ही उनका मजा ले पाते थे। उस समय अंग्रेजों द्वारा कैंडी लाई गई थी, मगर वो भी सिर्फ अमीरों तक ही सीमित थी। ये बात मोहनलाल दयाल को पसंद नहीं आई। वे स्वदेशी आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे और इस भेदभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने उसका ही सहारा लिया। उन्होंने सोच लिया था कि वो भारतीयों के लिए भारत में बनी कैंडी लाएंगे ताकि वो भी इसका मजा ले सकें। इसके लिए वो जर्मनी निकल गए। वहाँ उन्होंने कैंडी बनाना सीखा और 1929 में 60,000 रुपये में खरीदी कैंडी मेकर मशीन को अपने साथ भारत लेकर आए। यूं तो मोहनलाल दयाल का अपना खुद का रेशम का व्यापार था, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत आकर एक नया व्यापार शुरू किया। उन्होंने मुंबई के पास स्थित इरला पार्ला में एक पुरानी फैक्ट्री खरीदी। कंपनी के पास शुरुआत में सिर्फ 12 कर्मचारी ही थे और ये सब भी मोहनलाल दयाल के परिवार वाले ही थे। उन सब ने मिलकर दिन रात एक किए और पुरानी सी उस फैक्ट्री को एक नया रूप दिया। हर कोई कंपनी को बनाने में इतना व्यस्त हो गया था कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आखिर इसका नाम क्या रखा जाए। जब कोई भी नाम समझ नहीं आया तो आखिर में कंपनी का नाम उस जगह के नाम पर रखा गया जहां उसकी शुरुआत हुई थी। कंपनी पार्ला में खोली गई थी, इसीलिए इसका नाम थोड़े बदलाव के साथ पार्ले रखा गया। इसके बाद फैक्ट्री में जो सबसे पहली चीज बनाई गई थी वो थी एक ऑरेंज कैंडी। इतना ही नहीं, ये कैंडी काफी पसंद की गई और थोड़े ही वक्त में पार्ले ने कई और भी कैंडी बनाई। अंग्रेज अपनी चाय के साथ बिस्किट खाया करते थे, मगर ये भी सिर्फ अमीरों तक ही सीमित था। इसीलिए मोहनलाल दयाल ने सोचा कि क्यों ना कैंडी की ही तरह बिस्किट भी भारत में ही बनाए जाएं। इसके बाद 1939 में उन्होंने शुरुआत की पार्ले ग्लूको की। गेहूं से बनाए बिस्किट इतने कम दाम का था कि अधिकांश भारतीय इसे खरीद सकते थे। इसका सिर्फ दाम ही कम नहीं था बल्कि इसका स्वाद भी काफी बढ़िया था। देखते ही देखते आम लोगों के बीच ये काफी प्रसिद्ध होने लगा। माना जाता है कि न सिर्फ भारतीय बल्कि कई ब्रिटिशर्स भी पार्ले ग्लूको का स्वाद लिया करते थे। पार्ले ग्लूको इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि मार्केट में मौजूद ब्रिटिश ब्रांड के बिस्किट पीछे होने लगे। हर कोई इसकी पॉपुलैरिटी के आगे झुकने लगा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक पार्ले ग्लूको एक काफी बड़ा ब्रांड बन चुका था। हालांकि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पार्ले ग्लूको को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि कंपनी घाटे में चल रही थी या उसके पास प्रोडक्शन के लिए पैसा नहीं था। प्रोडक्शन बंद करने की असली वजह थी देश में गेहूं की कमी। जैसे ही भारत 1947 में अंग्रेजों के राज से मुक्त हुआ और देश का विभाजन हुआ तो ये कमी और भी बढ़ गई। पार्ले कंपनी को इतना रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा था कि वो प्रोडक्शन जारी रख पाए। ऐसे में कुछ वक्त के लिए उन्हें अपना पूरा प्रोडक्शन रोकना पड़ा। प्रोडक्शन रुकने के कुछ समय बाद ही लोगों को पार्ले ग्लूको की कमी सताने लगी थी। कंपनी को भी इसका एहसास हुआ। कंपनी ने वादा किया कि जैसे ही हालात सुधरेंगे वे प्रोडक्शन फिर से शुरू कर देंगे। 1982 वो साल था जब पार्ले ग्लूको का नाम बदलकर उसका नाम पार्ले जी कर दिया गया। कंपनी का नाम बदलने का कोई इरादा नहीं था, मगर उन्हें ये मजबूरन करना पड़ा। ग्लूको शब्द ग्लूकोज से बना था। पार्ले के पास इसका कोई कॉपीराइट नहीं था, इसीलिए कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता था। इसी चीज का फायदा उन बिस्किट ब्रांड्स ने उठाया जो अभी तक पार्ले ग्लूको के पीछे चल रहे थे। देखते ही देखते मार्केट में बहुत सारे ग्लूको बिस्किट आ गए। हर कोई
अपने बिस्किट के नाम के पीछे ग्लूको या ग्लूकोज का इस्तेमाल करने लगा। इसके कारण लोग पार्ले ग्लूको और बाकी बिस्किट के बीच में फंस गए। इसके कारण पार्ले ग्लूको की सेल पर काफी असर पड़ा। यही कारण रहा कि 1982 में उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपने नाम से ग्लूको हटाकर सिर्फ जी रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नाम बदलकर एक और नई पारी की शुरुआत की। 2003 में पार्ले जी को दुनिया में सबसे ज्यादा बेचा जाने वाला बिस्किट घोषित किया गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पार्ले जी एक साम्राज्य की तरह हो गया। 2012 में जब कंपनी ने बताया कि सिर्फ बिस्किट से ही उन्होंने करीब 5000 करोड़ की सेल की है, तो हर कोई हैरान हो गया। पार्ले जी भारत का पहला ऐसा FMCG ब्रांड था जिसने ये आंकड़ा छुआ था। तब से लेकर अब तक पार्ले जी की प्रोडक्शन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। आंकड़ों की माने तो हर साल कंपनी करीब 14,600 करोड़ बिस्किट बनाती है। ये सभी बिस्किट करीब 6 मिलियन स्टोर्स में भेजे जाते हैं। इसकी वजह से ही आज कंपनी करीब $16 मिलियन का रेवेन्यू कमा पाती है। ये दर्शाता है कि भले ही इतने वक्त में मार्केट में कई बदलाव आ गए हैं, मगर पार्ले जी ने किसी न किसी तरह खुद को आज भी बनाए रखा है। आज भी बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को ये पसंद आता है। पार्ले जी कल भी हिट था और आज भी हिट है। इतने सालों बाद भी इसकी साख कम नहीं हुई है। आज भी ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये दर्शाता है कि इसमें वो स्वाद है जिसे लोग अपनी जुबां से हटाना ही नहीं चाहते। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।